प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन। इस समय बात कर रहे हैं बिहार के सियासी गलियारे से। बता दें कि बिहार में एक बार फिर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बिहार में मुजफ्फरपुर जिला के बोचहां सीट पर अब उपचुनाव होना है। इसकी अधिसूचना भी चुनाव आयोग ने जारी कर दी है। बताते चले कि 17 मार्च से इस सीट के लिए नामांकन होना है, जबकि 12 अप्रैल को बोचहां विधानसभा की सीट पर मतदान होगा और 16 अप्रैल को मतगणना कराई जाएगी। बोचहां सीट को लेकर के एनडीए में लंबे समय से बयानबाजी चलती आ रही है और अब जब चुनाव का ऐलान हो गया है, बिगुल बज गया है, तो अब एनडीए के अंदर फिर से नेताओं की बयानबाजी चालू हो गई है। सबसे पहले इस सीट के बारे में बता दें आपको कि यह सीट अभी मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के पास थी और यहां से विधायक थे मुसाफिर पासवान, जिनका निधन हो गया। उनके निधन के बाद यह सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव हो रहा है। बताते चले कि मुसाफिर पासवान के निधन के बाद अब यहां पर वीआईपी और बीजेपी, खास करके यह दोनों पार्टी अब आमने सामने हुई है। हालांकि दोनों पार्टी के अलग अलग नेता अब इस पर अपने अपने दावे कर रहे हैं। बता दें कि भाजपा यहां पर, जो भाजपा की नेत्री हैं बेबी कुमारी, वो अब पूरी तरह से ताल ठोकती हुई दिख रही हैं। इस सीट पर उनकी दावेदारी वो पेश कर रही हैं। उनका कहना है कि हम इस सीट पर इससे पहले विधायक रह चुके हैं, चूंकि पिछली बार यह सीट गठबंधन में वीआईपी पार्टी के पास गई और इसलिए हमने यह समझौता किया था, लेकिन अब इस पर हमारा अधिकार है और हम चुनाव लड़ेंगे। वहीं वीआईपी पार्टी किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं है। हमने जब इसके बाद इस लगातार चल रहे इस बयानबाजी को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति से बात की, तो उन्होंने कहा कि वीआईपी पार्टी ही यहां पर चुनाव लड़ेगी और हम इसमें किसी भी तरह से समझौता करने को तैयार नहीं हैं। वीआईपी पार्टी के प्रवक्ता बताते हैं कि इस सीट पर चाहे बीजेपी के साथ हो या फिर किसी भी तरह से गठबंधन में यदि कुछ भी आगे पीछे होता है, तो भी यहां से सिंबल लेकर के हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। यानी यह साफ हो चुका है कि वीआईपी पार्टी किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। वहीं अब एनडीए के अंदर जो एक खबर हमारे पास आ रही है, जदयू के मजबूत सूत्र बताते हैं कि जदयू ने साफ तौर पर वीआईपी पार्टी को ही एक तरह से इस पर अपना समर्थन देने का मूड बना लिया है कि वो पार्टी को साथ देगी कि वो उम्मीदवार वहां से उतारे। तो लेकिन इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ऐसा बताते हैं। और इस पर हमने जब राष्ट्रीय प्रवक्ता वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति से बात की, तो उन्होंने भी यह चीज कहा कि जदयू के तरफ से भी हमें इसमें समर्थन मिलता आ रहा है। वहीं अब बीजेपी जो इस देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि भाजपा इस पर किस तरह से स्टैंड लेती है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुकेश सहनी जिस तरह खुलकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी टिप्पणी करते रहे और भाजपा से एक तरह से कह सकते हैं कि आमने सामने ही रहे और बयानबाजी करते रहे, उसके बाद मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद, जो लगातार मुकेश सहनी को नसीहत देते रहे और उन्हें बताते रहे कि वो इस तरह से बीजेपी के खिलाफ ना जाएं, या फिर सीट पर दावेदारी को लेकर कहें तो बेबी कुमारी के साथ अजय निषाद को भी जनसंवाद करते क्षेत्र में पाया गया है, देखा गया है। तो अब यह कहीं ना कहीं मामला गर्माता हुआ दिख रहा है कि किस तरह से इस सीट पर दावेदारी को लेकर के एनडीए एकमत होती है और वीआईपी पार्टी को वह किस तरह लेकर चलती है। क्या वीआईपी पार्टी एनडीए में रह करके यहां पर अपने उम्मीदवार को उतारती है, या फिर जैसा कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि हम किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, यदि एनडीए कुछ भी इधर उधर करता है तो हम अपने उम्मीदवार को सिंबल लेकर वहां पर उतारते हैं। यानी अब यह मामला पूरी तरह से गर्माता हुआ दिख रहा है। देखना बाकी है कि एनडीए अपने किस पार्टी को इस सीट को देती है और यह सीट किसके खाते में जाती है और किस तरह से एनडीए एकमत होकर के यहां पर चुनाव लड़ती है।
अब सबसे बड़ी बात यह सामने आएगी कि यदि यहां से वीआईपी उम्मीदवार अपना उम्मीदवार उतारती है तो यहां से प्रत्याशी कौन होगा। बता दें कि अभी जब हमारी बात वीआईपी के प्रवक्ता से हुई तो उन्होंने एक वाक्य बताया और कहा कि मुसाफिर पासवान जिस समय यहां आप अपने जीवन के अंतिम पलों को जी रहे थे और वो जिस समय अस्पताल में भर्ती थे तो उन्होंने मुकेश सहनी का हाथ पकड़ा था और कहा था कि अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा था कि हम अब ये आपकी जिम्मेदारी है और इसके सियासत में यह किस तरह आगे बढ़ेगा यह भी आपकी जिम्मेदारी होगी। तो उन्होंने इशारे ही इशारे में जो बताना चाहा उस पर हमने खुलकर उनसे बात की कि क्या मुसाफिर पासवान के बेटे इस बार वीआईपी के तरफ से उम्मीदवार होंगे। तो उन्होंने बताया कि यह अभी पूरी तरह से पुष्टि इसकी नहीं की जा सकती, यह तो मुकेश सहनी को तय करना है कि उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इसकी संभावना सबसे अधिक है कि इस सीट पर उम्मीदवार मुसाफिर पासवान के बेटे ही होंगे। लेकिन अभी भी जब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है हम इसे पार्टी के तरफ से आया एक बयान ही मानेंगे, एक संभावना ही मानेंगे और देखेंगे कि इस पर अभी यह सीट किसके खाते में जाती है और इसके बाद वीआईपी पार्टी यहां से उम्मीदवार किसे घोषित करती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।